बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 27 में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रैनुलैरिटी। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं उसमें इंट्रोडक्शन टू ग्रैनुलैरिटी, क्या जानेंगे कि ग्रैनुलैरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रैनुलैरिटी आर पैरेललिज्म वो देखेंगे, तीन टाइप्स के पैरेललिज्म हैं जिसमें फाइन ग्रेन पैरेललिज्म, कोर्स ग्रेन एंड मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म, इन तीनों की डिटेल विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया ग्रैनुलैरिटी क्या है इन पैरेलल कंप्यूटिंग। ग्रैनुलैरिटी आर ग्रेन साइज ऑफ अ टास्क इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज़ परफॉर्म्ड बाय दैट टास्क। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर ग्रैनुलैरिटी या ग्रेन साइज जो है वो टास्क का वो बेसिकली एक अमाउंट होती है वर्क में, वर्क की जो कि परफॉर्म करना होता है उस टास्क ने। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी टास्क को या जो वर्क है कंप्यूटेशन वर्क है उसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है, और हर एक जो साइज़ होता है उसको हम लोग ग्रेन कहते हैं, या फिर उस कंसेप्ट को ग्रैनुलैरिटी कहते हैं कि उस टास्क को हमने किस तरह से कितने साइज़ में डिवाइड करके पैरेलल कंप्यूटिंग से एग्जीक्यूट करवाना होता है। इट डिफाइन ग्रैनुलैरिटी एज द रेशो ऑफ द कंप्यूटेशन टाइम टू द कम्युनिकेशन टाइम। बेसिकली एक रेशो है ग्रैनुलैरिटी कंप्यूटेशन टाइम और कम्युनिकेशन टाइम के दरमियान, वेयर एंड कंप्यूटेशन टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन ऑफ द टास्क एंड कम्युनिकेशन टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन द प्रोसेसर्स। अब इसके अंदर जो कंप्यूटेशन टाइम होता है वो वाला ओवरऑल जो टाइम कंज्यूम होता है किसी भी टास्क की कंप्यूटेशन में वो वाला टाइम, और डिफरेंट प्रोसेसर के दरमियान जो कम्युनिकेशन या एक्सचेंज में जो टाइम कंज्यूम होता है उसको कम्युनिकेशन टाइम कहते हैं। इट इज़ अ कम्युनिकेशन ओवरहेड बिटवीन द मल्टीपल प्रोसेसर एंड द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ये बेसिकली कम्युनिकेशन ओवरहेड है डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसर और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के दरमियान। इफ टी ऑफ कॉम्प इज़ द कम्पटिशन टाइम एंड टी ऑफ कम्युनिकेशन डिनोट्स द कम्युनिकेशन टाइम, देन द ग्रैनुलैरिटी जी ऑफ द टास्क कैन बी कैलकुलेटेड एज। अगर इसके अंदर टी ऑफ कॉम्प से मुराद टाइम ऑफ कम्पटिशन है उसको डिवाइड किया जाता है टाइम ऑफ कम्युनिकेशन के दरमियान, ये जो रेशो आती है बेसिकली उसको ग्रैनुलैरिटी कहा जाता है। ग्रैनुलैरिटी इज यूजली मेजर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी पर्टिकुलर टास्क की नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं वो बेसिकली जो रेशो होती है उसको ग्रैनुलैरिटी कहा जाता है। अल्टरनेटली ग्रैनुलैरिटी कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम कंबाइनिंग द कंप्यूटेशन टाइम एंड कम्युनिकेशन टाइम। ये जो ओवरऑल जो टाइम है जिसमें किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है वो वाला टाइम, और वो कंप्यूटेशन जो टाइम्स होता है जिसमें डिफरेंट टास्क को कंबाइन किया जाता है और डिफरेंट प्रोसेसर के दरमियान जो टाइम कंज्यूम होता है ये भी बेसिकली इसे भी ग्रैनुलैरिटी कहती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रैनुलैरिटी आर पैरेललिज्म डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज़ परफॉर्म्ड बाई द पैरेलल टास्क। पैरेललिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, तीन तरह की कैटेगरी हैं जिसमें कंप्यूटेशन वर्क को जो है डिवाइड किया जाता है। एक को फाइन ग्रेन पैरेललिज्म कहा जाता है, सेकंड को कोर्स ग्रेन एंड थर्ड को मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आया फाइन ग्रेन पैरेललिज्म क्या है। इन फाइन ग्रेन पैरेललिज्म अ प्रोग्राम इज़ ब्रोकन डाउन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टास्क। फाइन ग्रेन पैरेललिज्म की टेक्निक के अंदर एक प्रोग्राम को बहुत सारे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है। दीज टास्क आर असाइन इंडिविजुअली टू मैनी प्रोसेसर, और ये छोटे छोटे जो टास्क हैं बहुत सारे प्रोसेसर को असाइन किए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद द पैरेलल टास्क इज़ लो एंड द वर्क इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर। अब इसमें जो टास्क है जो कि डिफरेंट पैरेलल जो कंप्यूटिंग या प्रोसेसर के दरमियान है वो क्या है उसकी मिकदार वो कम है, यानी छोटे छोटे टास्क को डिवाइड करके डिफरेंट प्रोसेसर के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हेंस फाइन ग्रेन पैरेललिज्म फैसिलिटेट लोड बैलेंसिंग। अब इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो लोड बैलेंसिंग का है। एज ईच टास्क प्रोसेस लेस डाटा द नंबर ऑफ प्रोसेसर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कम्प्लीट प्रोसेसिंग इज हाई।
अब इसके अंदर जो हर एक प्रोसेस है उसके अंदर जो कम डाटा होगा तो उसमें जो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं उनके जो टाइम है वो जो कंज्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। दिस इन टर्न इंक्रीज द कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड। अब इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन जो ओवरहेड है वो भी इंक्रीज होगा। फाइन ग्रेन पैरेललिज्म इज बेस्ट एक्सप्लॉयटेड इन आर्किटेक्चर विच सपोर्ट फास्ट कम्युनिकेशन। ये बेसिकली उस आर्किटेक्चर जहाँ कम्युनिकेशन फास्ट रिक्वायर्ड हो वहाँ ये सूट करता है। शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर विच हैज़ अ लो कम्युनिकेशन ओवरहेड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर फाइन ग्रेन पैरेललिज्म। अब जो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है वो इसके लिए सबसे बेस्ट और बेहतर स्ट्रेटजी है जिसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू डिटेक्ट पैरेललिज्म इन अ प्रोग्राम। ये डिफ़िकल्ट है किसी भी प्रोग्रामर के लिए कि किसी भी प्रोग्राम में पैरेललिज्म को वो डिटेक्ट करें। देयरफॉर इट इज़ यूजली द कंपाइलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट फाइन ग्रेन पैरेललिज्म। तो इसके लिए जो कंपाइलर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जिसमें डिफरेंट फाइन ग्रेन पैरेललिज्म को डिटेक्ट करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन ग्रेन सिस्टम फ्राम आउटसाइड द पैरेलल कंप्यूटिंग डोमेन इज़ द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। अब इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन का सिस्टम है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म। इन कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म अ प्रोग्राम इज स्प्लिट इनटू लार्ज टास्क। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर एक प्रोग्राम को काफ़ी बड़े टास्क के अंदर डिवाइड किया जाता है। ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ कंपटीशन टेक्स प्लेस इन प्रोसेसर। अब इसकी वजह से किसी भी प्रोग्राम को काफ़ी बड़े टास्क के अंदर डिवाइड किया जाता है तो फिर जो प्रोसेसर इन पे टाइम कंज्यूम करता है एग्जीक्यूशन में वो भी काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। दिस माइट रिजल्ट इन लोड इम्बेलेंसिंग, जिसका नतीजा लोड इम्बेलेंसिंग का निकलता है। वेयर इन सर्टन टास्क प्रोसेस द मेजॉरिटी ऑफ द डाटा वाइल अदर माइट बी आइडल। अब इसमें जो काफ़ी कुछ डाटा जो है वो प्रोसेस हो जाता है बट उसमें काफ़ी जो डाटा है वो वैसे रह भी जाता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती या फिर इन टाइम नहीं हो पाती। फर्दर कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म फेल्स टू एक्सप्लॉयट द पैरेललिज्म इन द प्रोग्राम एज मोस्ट ऑफ द कंपटीशन इज परफॉर्म्ड सिक्वेंशियली ऑन अ प्रोसेसर। तो इसका जो रिजल्ट है स्ट्रेटजी का वो ज़्यादातर जो टास्क होता है किसी भी प्रोग्राम का जो पार्ट है वो सिक्वेंशियली वो परफॉर्म किया जाता है किसी भी प्रोसेसर से। द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ पैरेललिज्म इज लो कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड। अब इसका एडवांटेज लो कम्युनिकेशन और जो सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड है वो है। मैसेज पासिंग आर्किटेक्चर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम्युनिकेट डाटा अमंग प्रोसेस विच मेक्स इट सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म। कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म के लिए जो सूटेबल जो आर्किटेक्चर है वो मैसेज पासिंग आर्किटेक्चर है। थर्ड जो टाइप है वो है मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म। मीडियम ग्रेन पैरेललिज्म इज यूज्ड रिलेटिवली टू फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म। मीडियम ग्रेन जो पैरेललिज्म है ये फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म की इन बिटवीन सिचुएशन है जिसके अंदर किसी भी प्रोग्राम का जो टास्क हैं या जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली इन बिटवीन रखे जाते हैं किसके दरमियान, कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म और फाइन ग्रेन पैरेललिज्म के दरमियान। वेयर वी हैव टास्क साइज एंड कम्युनिकेशन टाइम ग्रेटर देन फाइन ग्रेन पैरेललिज्म एंड लोअर देन कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म। अब इसके अंदर ये जो टास्क का साइज है और कम्युनिकेशन ये जो टाइम है वो ज़्यादा बड़ा होता है किससे, फाइन ग्रेन पैरेललिज्म से, और कम होता है कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म से। मोस्ट जनरल पर्पस पैरेलल कंप्यूटर्स फॉल इन दिस कैटेगरी। अब इसके अंदर बेसिकली जनरल पर्पस जो पैरेलल कंप्यूटर्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जिसके अंदर जो प्रोग्राम का जो साइज होता है किसी भी टास्क का जिसमें किसी भी प्रोग्राम को फर्दर टास्क में डिवाइड किया जाता है वो इन बिटवीन रखा जाता है, ना बड़े साइज़ के टास्क को डिवाइड किया जाता है ना फिर छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।